फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा NSO बुक के बारे में। इसका रिव्यू करेंगे आज और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने हार्ड होते हैं। ये है MTG पब्लिकेशंस की NSO क्लास 10th की NSO बुक। जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए है ये बुक। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसमें आपको सेम जो NCERT बुक के चैप्टर हैं वही मिलेंगे। 14 चैप्टर हैं इसमें, देख सकते हैं। पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फिफ्थ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सिक्स्थ लाइफ प्रोसेसेस, सेवन्थ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, एट्थ है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, 9th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 10th है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, 11th इलेक्ट्रिसिटी, 12th मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 13th सोर्सेस ऑफ एनर्जी, 14th आर इन्वायरमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट। फिर है इससे आगे लॉजिकल रीजनिंग है इसमें कुछ, और SOF नेशनल साइंस ओलम्पियाड के जो ये सैम्पल पेपर्स हैं, और ये हैं हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस हैं सबसे लास्ट में। यहाँ पर दिया गया है, आप इस URL लिंक पे भी इस पैक को बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, चलते हैं इसकी बुक के देखते हैं। ये आपको सैम्पल पेपर मिलेगा, यानी आपको जो इसका पेपर होगा NSO का, उसमें आपको ऐसा पेपर होगा जिसमें आपको स्टूडेंट नेम भरना होगा इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ओनली। फिर आपको भरना होगा पर्सनल डिटेल्स, जैसे स्कूल कोड आपको बताया जाएगा, आपको पता भी होगा, क्लास सेक्शन रोल नंबर मोबाइल नंबर। आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जेंडर लिखना होगा, और आप सिर्फ ओनली HB पेंसिल या फिर ब्लू और ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको सभी चैप्टर्स में से इसमें से क्वेश्चन दिखाऊंगा। मेरे पास इसकी IMO की भी बुक है क्लास 10 की, आपको इसके बारे में भी क्वेश्चन जानने को मिल जाएंगे। अगली वीडियो में मैं इसके बारे में भी रिव्यू दे दूंगा, इसके बारे में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल हिंदी ज्ञान टेक 1 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के आएंगे क्वेश्चन। जैसे कि हम देख लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको ज़्यादा सॉल्व करने पड़े, बल्कि इसमें ट्विस्टेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिससे आपको आपके सही होने के चांसेस बिल्कुल कम रह जाएँ। इसलिए इसमें ट्विस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन ईजीनेस के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना हार्ड पेपर भी नहीं होता है फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन फर्स्ट लेवल में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर देते हैं, तो आप फर्स्ट लेवल में आराम से सक्सेस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रोहन टुक 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इन 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स एंड एडेड 4 डिफरेंट मेटल स्ट्रिप्स टू ईच टेस्ट ट्यूब एज शोन बिलो। इन टेस्ट ट्यूब 1 and 3 ब्लैक रेसिड्यू वाज ऑब्टेन्ड, वाइल इन टेस्ट ट्यूब 2 and 4 नो चेंज वाज ऑब्जर्व्ड, मेटल P, Q, R and S कुड बी रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछते हैं, ना कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा इस सॉल्यूशन के साथ या फिर नहीं करेगा। इसी चैप्टर में और कोई क्वेश्चन देखते हैं हम, मान लीजिए हम देखते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे कोई क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं 6th क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट रोट 3 स्टेटमेंट्स अबाउट रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर रिड्यूस्ड दे बिकम रेंसिड। सेकंड, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजली फ्लश चिप्स बैग्स विद ऑक्सीजन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी।
थर्ड है रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेंसिडिटी है क्या, और वैसे तो मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए आप देख लेना अपने हिसाब से और पढ़ लेना। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन रिएक्शन। ये देख लीजिए आप क्वेश्चन, सॉल्ट एक्स कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स, इससे मिल रहा है सॉल्ट वाई कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वॉशिंग पाउडर प्लस गैस जेड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ऐसे ही हम चलते हैं अब थर्ड चैप्टर में, ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ही देख लेते हैं। ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद फाइव मेटल्स पी क्यू आर एस एन टी एट रूम टेम्परेचर, व्हाट कुड बी द मेटल्स पी क्यू आर एस एन टी। इसमें आपको पिक्चर दी गई है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दिखाए गए हैं, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मेटल आर। इसमें से आपको जो भी सही मेटल होना चाहिए वो चूज़ करना है। तो इस टाइप के ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं जो एक बार तो दिमाग को बिल्कुल घुमा फिरा के रख देते हैं। अब देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फोर्थ चैप्टर। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी सेम फॉर टू एल्कलाइन एल्केन मॉलिक्यूल्स विच आर आइसोमर्स। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एम्पीरिकल फार्मूला, जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इनमें से आपको देखना है कौन सी प्रॉपर्टी सेम नहीं है एल्केन मॉलिक्यूल्स विच आर आइसोमर्स। तो ये आपको टेंथ के सिलेबस में, वैसे तो एनसीईआरटी वगैरह के सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा हाई लेवल के जो एग्ज़ाम्स या फिर जो भी कंपटीशन वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए ये आईएमओ एनएसओ इस टाइप से जो पेपर होते हैं इनको तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चे हाई लेवल का परफॉर्म कर सकें। फिफ्थ चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे ही मैं आपको सिक्स चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए फिफ्थ चैप्टर के क्वेश्चंस, लास्ट में आपको इसके अचीवर सेक्शन हॉट्स, यानी इसमें आपको ये पेपर सैंपल पेपर टाइप से मिला हुआ है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी, ये देख लीजिए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन को भी बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप देख लीजिएगा। आपको बाज़ार में आसानी से बुक अवेलेबल हो जाएगी, ये शायद 60 या 80 रुपये की बुक आती है या 70 रुपये की, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है। अगर आपने आईएमओ और एनएसओ में लिया है और आप उसमें अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप आराम से बुक खरीदिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इसको टाइम लगता है इस बुक को कंप्लीट करने में। एक बार आप इससे करना सीख गए तो फिर ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए 9 चैप्टर हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऐसे ही हैं इसमें 14 चैप्टर। मैं आपको इसमें लास्ट में क्या है हम ये देख लेते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, इसमें तो मैथ्स के ही सवाल पूछे गए हैं कुछ, साइंस में ही नॉन वर्बल रीजनिंग, और ये सैम्पल पेपर्स टाइप से दिया गया है, ना इससे कोई सॉल्यूशन है, तो आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 क्वेश्चंस की 2018 पेपर है एनएसओ का,
SOF नेशनल साइंस ओलंपियाड। ईच क्वेश्चन इन अचीवर्स सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स, वेयर आज ऑल अदर क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स ईच। लॉजिकल रीजनिंग है सबसे पहले, ये 2018 का पेपर है, आप इसे देख लीजिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे और इनमें से कुछ वापस भी पूछे जा सकते हैं, ये देख लीजिए आप। ये साइंस सेक्शन है, यहाँ तक 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, मेरे हिसाब से 50 या 60 क्वेश्चन होने चाहिए इसमें, और एग्ज़ाम में भी 50 क्वेश्चन आते हैं शायद, 10 कई बार एक्स्ट्रा भी आते हैं, पता नहीं वो आते हैं या नहीं, तो पेपर में ही पता चलेगा, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनमें नॉलेज भी खूब अच्छी है। हाँ, मेरा आइडिया सही था, 50 क्वेश्चन है कुल मिला के, देखिए 45 साइंस से थे और अचीवर सेक्शन 10 क्वेश्चन और जो 30 मार्क्स का है टोटल, इसमें बड़े ही हाई लेवल क्वेश्चंस जो ज़्यादा ही पढ़ाकू होते हैं उन्हीं के बस की बात है इसे सॉल्व करना। और ये देखिए, इस सैम्पल पेपर को आप वापस सॉल्व कर सकते हैं, 50 क्वेश्चंस हैं। ये हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन, यानी जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं उनकी हिंट्स और एक्सप्लेनेशन हैं, उससे रिलेटेड हिंट्स भी हैं जैसे कि, और एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स के, तो आप हिंट्स से अगर करना चाहते हैं तो भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे से वो चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप हिंट्स से मिलाकर चलते हैं तो कोई भी चैप्टर अगर आप सॉल्व करते हैं तो। ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये देख लीजिए, हर एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताए गए हैं इस बुक में। बस यही है इस बुक में, जो कि है MTG पब्लिकेशन की। ये देखिए, विजिट www.mtg.in फॉर लास्ट 5 ईयर्स पेपर्स ऑफ NSO सेट ANB। आप लास्ट 5 ईयर पेपर्स के mtg.in पे जाके इसको देख सकते हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं आप MTG के ऑनलाइन वेबसाइट से। आपको हर एक क्लास में बुक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं इसके पीछे लेबल पे प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। इसका MRP है $80, US डॉलर में है $7 की, ये देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।